नमस्कार, मैं जिमी जोरदार स्वागत करता हूं आपका हमारे शो भाई भूख लगी है पर। और आज हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, जो कि इंडस्ट्री की जानी मानी और पहचानी अनजानी दीवानी मस्तानी बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं, क्योंकि वो बहुत फिट हैं और लोगों की फिटनेस। ओ हेलो, तुम्हें कैसे पता दीवानी मस्तानी के बारे में ज्यादा? दीपिका पादुकोण को तो मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आज उनके बारे में बताऊंगी कि वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। तो मतलब तुम ऐसा बोलने वाले हो कि मैं ये जगह छोड़ के जाऊं? यस, तो आज का शो होस्ट मैं करूंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारी जो होस्ट एंड दोस्त हैं वो हैं मिस सालू लोहाट। तो चलिए सालू जी आइए, आप बैठिए और होस्ट कीजिए, चलता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी शालू लोहाट और आज मैं हूँ भाई भूख लगी है और आज मैं बताने वाली हूँ दीपिका पादुकोण के बारे में, जो कि दीवानी है, मस्तानी है और फिट एंड हॉट है। तो दीपिका सुबह 7 या 6 बजे उठती है और वो सुबह रनिंग करती है, वर्कआउट करती है और डांसिंग करती है। अपना वर्कआउट पूरा करने के बाद घर आती है तो वो क्या खाती है, ब्रेकफास्ट में वो बहुत ही सिंपल खाना खाती है, लाइक इडली सांभर वड़ा डोसा, क्योंकि वो साउथ इंडियन है इसलिए ये है इडली। वाओ नाइस, या जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है खाने में तो उसको कितना अच्छा लगता होगा। दीपिका आई लव यू, अमेजिंग। तो दोस्तों आप अपने घर पे भी ये बना के खा सकते हैं, बाहर से भी लेके खा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए भी और बहुत ही लाइट खाना है, तुम खा के बहुत फिट रह सकते हो और मैं खुद भी यही खाती हूँ मॉर्निंग में। अब हम लेके चलते हैं दीपिका की नेक्स्ट मील पे कि वो क्या खाती है लंच में और क्या करती है, चलिए। अरे यार भैंस की आंख, मेरी एंकर किधर गई? अरे हे भगवान, कैसे होगा यार, कैसे चलेगा, अब मैं क्या करूं यार, ये सब मतलब वैसे वेस्ट चला जाएगा यार, ऐसे कैसे। हेलो, हम तनक बाहर क्या चले गए, आप हमारी हॉट सीट पे बैठ गए। नहीं, सीट तो हॉट ही है लेकिन आप ही बैठिए, मतलब मुझे लगा कि आप कहीं चले गए। नहीं नहीं, आप बैठिए। नहीं, हम कहीं नहीं गए थे। नहीं नहीं, हमें आपका पूरा भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं, आप बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज, आप ही की सीट है ये। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी शालू लोहट और एक बार फिर मैं आ गई हूँ भाई भूख लगी पे। तो आज मैं बताने वाली हूँ दीपिका की सेकंड मील के बारे में। तो ये है दीपिका की ब्रेकफास्ट की और लंच की बीच की डाइट। तो ये है दूध और दूध से हमें मिलता है कैल्शियम, वेरी नाइस। ये क्या है, अंगूर, और इससे भी हमें कैल्शियम मिलता होगा जिससे हम फिट रहते हैं। ये क्या है बाबा, ऑरेंज, ऑरेंज खाने से विटामिन सी की कमी पूरी होती है। ये है केला, जो लोग जिम जाने से पहले खाते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मजा आ गया भाई। ओ भैंस की आँख, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक ड्राई फ्रूट्स, भाई खा के देख लेते हैं। ये है बादाम, बादाम दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि भिगो के खाने चाहिए पर मैं सूखा खा रही हूँ। क्या बोलती पब्लिक, फुल डाइट शाइट एंड ऑल। ओ भाई मिक्स, ये तो कुछ जेली सेली सी लग रही है। तो दोस्तों प्लीज, जो मैंने ट्राई करा आप भी ट्राई करना और दीपिका को जरूर फॉलो करना कि वो क्या खाती है क्या नहीं खाती है। तो ये थे फ्रूट्स एंड नट्स एंड मिल्क और हमारा चैनल है भाई भूख लगी है, इसको फॉलो करना मत भूलना और कमेंट और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब हम चलते हैं दीपिका के लंच पे, वो कैसे ड्रेसअप करती है अपने आप को और क्या क्या खाती है। नमस्कार दोस्तों, अब हम बता रहे हैं आपको दीपिका के लंच के बारे में और क्या है उनका लाइफस्टाइल और फूड स्टाइल। अच्छोरे तने दीप को ना री, मैं इत बैठी थी थोड़ी देर पहले, तू के करण आ गया इधर। मैं मतलब तुम ऐसे बीच बीच में तो मुझे लगा कि तो मैं आ गया, तो नहीं बीच बीच में क्या। नहीं नहीं, तुम गए थे कहीं ऐसे, मैं शॉपिंग पे क्या चली गई, तूने इधर गदर मचा दी। अच्छा अच्छा, नहीं तुम बैठो बैठो, मैं जाता हूँ, मैं भी कहीं गदर वदर देखता हूँ यार, क्या ही है। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी शालू लोहट और एक बार फिर हम आ गए हैं भाई भूख लगी पे। चलो अब मैं आपको बताती हूँ दीपिका पादुकोण के लंच के बारे में, जो कि है बहुत ही स्वादिष्ट और तुम भी खा के
मुंह में जरूर पानी आएगा। ठीक है, लंच किधर है? जिम्मी, हाँ जी, हाँ जी। जिम्मी यहाँ पे तो लंच ही नहीं है। दीपिका पादुकोण क्या खाई है अभी? लाया लाया लाया। वाओ, ओह माय गॉड। जिम्मी जब तुम आ ही गए हो तो और भी कुछ भी लेके आओगे? हाँ हाँ, लाता हूँ ना, लाता हूँ, लाता हूँ। चाहिए जी? वो ग्रिल चिकन सैलेड है, ये सैलेड है नॉर्मल, और ये है ब्राउन राइस जी, मतलब फुल जो दीपिका जी खाती हैं वो है, तो आप मतलब खाइए, मतलब खाइए। जिम्मी ये क्या है? ये ब्राउन राइस है। इसको खाने से क्या होता है? इसको खाने से आपको बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें कार्ब्स कम होता है और ये आपके फैट को कंट्रोल करता है, इसके लिए लोग खाते हैं। तो मैं खा के हेल्दी हो जाऊंगी? हेल्दी बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी हो आप, और इससे क्या होता है कि आप वेट लॉस भी कर सकते हो। और ये चिकन सैलेड है तो दीपिका जी खाती हैं फिट रहने के लिए, जैसे कि वो दौड़ती हैं 6-6 घंटे। अच्छा। और वर्कआउट भी करती हैं तो ये सब वो खाती हैं। और Amazing. ये सैलेड है, ये भी आप खा सकते हैं। जिम्मी मैं अभी बाहर गई थी शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पे जिम्मी बैठा हुआ था। मैंने जिम्मी को बोला कि जिम्मी तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे तो मैं बैठी हुई थी, वो चला गया बेचारा। हाँ, मैं गई थी मॉल अभी, इन्फिनिटी मॉल शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने कुछ कुछ सामान लिया उधर से। मेरी एक फ्रेंड मिल गई होती यूपी की, न्यू कह रही होता है कि कहा कह रहे हैं बहन घनी मोटी हो रही पतली हो जा। मैंने कहा तू बता दे मैं कहा कहूँ, मैं तो दीपिका पादुकोण फॉलो करूँ। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तो तू बता दे बहन क्या कहूँ मैं। फिर वहाँ ने वो बताई कि भाई चिकन विकिन खा और सैलड खा, राइस खा, रोटी खा, और यो बाहर के गंद को ना खा। मैंने कहा चल ठीक है बहन, तू कह रही है मैं मान लेती हूँ। तो अभी मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ और दीपिका पादुकोण को भी फॉलो कर रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुमको फिट रहना है दोस्तों तो अच्छा अच्छा खाओ जो तुम्हारी सेहत में भी लगे और तुम हेल्दी भी रहो। तो दोस्तों अभी दीपिका का लंच तो हो गया है, तो अब मिलते हैं सीधे डिनर में कि वो डिनर में क्या खाती हैं। तो जैसा कि आपने देखा, दीपिका जी ने अभी लंच किया है, और लंच करने के बाद दीपिका क्या करती है, कभी सैलेड, कभी जूस, और कभी कभी वो नारियल पानी भी पी लेती हैं। तो मैं पीने जा रहा हूँ नारियल पानी। हेलो, ये दीपिका पादुकोण पीती है, तुम थोड़ी ना पियोगे। लेके जाओ, मेरा हो गया। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आ गई हूँ शाले लोहट भाई, भूख लगे पे। तो दीपिका जी बहुत ही सिंपल खाना खाती है, जैसा कि आप देख रहे हो कितना सिंपल खाना है, लेकिन बहुत ही हेल्दी फूड है ये। ठीक है, तो अभी मैं खाऊंगी थोड़ा सा दाल राइस, वेरी नाइस। ये दीपिका की तो मौज है, इतना अच्छा खाना खाती है, सुपर वाओ। दीपिका जी मौज ही मौज है आपकी तो, सुपर। दीपिका खाने के बाद क्या खाती हैं? उनको स्वीट पसंद है और वो खाते हैं डार्क चॉकलेट। तो मेरे पास डार्क चॉकलेट तो है नहीं, डार्क रसगुल्ला है, तो मैं यही खा लेती हूँ, क्या बोलती पब्लिक। तो चलिए अब मैं बुलाती हूँ जिमी जी को। जिमी आया आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब तो डिनर हो गया आपका? हाँ जी। अरे वाह बेहतरीन, क्या बात है। तो जैसा कि मिस सालू लोहाट ने बताया आपको दीपिका की पूरी डाइट, दीपिका कैसे फिट रहती हैं, कैसे वो अपने आप को मेंटेन रखती हैं, और अब हम आपको एक नई स्लेप्स के साथ मिलेंगे नए एपिसोड में, जो कि होंगी बहुत ही फिट और हेल्दी। और आप ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हैं, किसी भी स्टार को फॉलो कर सकते हैं, फिट रहना जरूरी है, जब फिट रहोगे तभी हिट रहोगे। तो भाई भूख लगी है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड में। तो गाइस इनको बधाई देना मत भूलना, सिल्वर बटन के लिए बहुत जल्दी गोल्ड आने वाला है, और प्लीज गोल्ड भी जब ही आएगा जब आप लोगों की सपोर्ट रहेगी, तो प्लीज सपोर्ट हिम। यस, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, भाई भूख लगी है। हाँ हाँ, तो पी लो।